तो दोस्तों ये आप लोगों ने जो गाना सुना है वो आपको गाना बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये गाना अच्छा लगा हो तो अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग, इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप फरमानी नाच के जो है फैन हो चुके हो और उनके ज़्यादा आप गाना सुनते हो और आपको गाने अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आजकल जो है रानू मंडल की तरह ही यूट्यूब पर जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिनका नाम है फरमानी नाच, काफ़ी इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और इनकी काफ़ी जान पहचान बन चुकी है यूट्यूब पर। और इनकी जो जान पहचान आज इस मुकाम पे हैं यूट्यूब पर भी, यार वायरल होना बहुत ही बड़ी बात है भाई। तो यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हैं फरमानी नाच। तो दोस्तों बता दूँ इस वायरल के पीछे आखिर किस इंसान यानी कि किस व्यक्ति का हाथ है वो आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि फरमानी नाच को फेमस करने वाला बंदा वो कौन है। इस वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई अगर मैं आपको बता दूँ कि फरमानी नाच को फेमस करने में सिर्फ तो सिर्फ आशु बच्चन का हाथ है, जिसको आप तो आसानी से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ये फ़ोटो देख लीजिए। तो भाई आशु बच्चन को हो सकता है आप लोग जानते हो, तो आशु बच्चन ने ही यार इनका एक गाना जो है बना के डाला। आशु बच्चन जो है मिमिक्री वगैरह आर्टिस्ट वगैरह के ये जो वीडियोज बनाते हैं और जो है सॉन्ग गाते हैं हर एक एक्टर की आवाज़ में, तो मैं आपको बता दूँ कि यार उन्होंने ही सिर्फ जो है फरमानी नाच का एक वीडियो बनाया उनके घर में जाके, उनके गांव में जाके, और उसी गाना वो जो था उस वीडियो पर इतने यार व्यूज़ आ गए, कम से कम 5-6 मिलियन तक का तो उस वीडियो पर इतने सारे व्यू आए और वो गाना धीरे धीरे उस पर वायरल होने लगा यूट्यूब पर। फिर लोगों ने क्या किया, वही गाना आशु बच्चन का उठाकर कॉपी करके अपने चैनल पर डाला। तो वो जब अपने चैनल पर डाला तो उनकी वीडियो दोस्तों क्या हुआ, इस कंटेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने लगे और ये वीडियो जो था वायरल हो गया। और इसी से जो है ये फरमानी नाच यार काफ़ी फेमस हो गई। और मैं बता दूं यार सिर्फ फेमस करने में हाथ हमारे सिर्फ आशु बच्चन सिंगर का है, उन्हीं ने ये वीडियो डाला और उसी से आज फरमानी नाच यूट्यूब पर काफ़ी वायरल हो चुके हैं, जिनकी काफ़ी जान पहचान बन चुकी है। दोस्तों यूट्यूब पर जान पहचान भी बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जान पहचान तभी बनेगी जब आप यूट्यूब पर फेमस होंगे तब। तो आजकल फरमानी नाच काफ़ी वायरल हैं, सिर्फ आशु बच्चन का ही हाथ है उनको वायरल करने में। और देखो यार वो आगे से ज़्यादा कितना वायरल हो जाती हैं और उनकी क्या किस्मत साथ देती है और वो क्या से क्या यार बन जाती हैं। अगर जो भी यार बनेंगी वो सिर्फ आशु बच्चन की भाई की बदौलत बनेंगी, सिर्फ उन्होंने ही वीडियो बनाया और यूट्यूब पर डाला और उन्हीं की वजह से आज फेमस।